नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, जिन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो विधानसभा चुनाव जीतकर बेशक बीजेपी अपनी ऐतिहासिक जीत को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में लग गई है, लेकिन बीजेपी की असली परीक्षा दरअसल अब शुरू होगी। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने जनता से कई वायदे किए हैं, ऐसे में क्या घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा कर पाएगी बीजेपी? क्या हरियाणा की जनता के आएंगे अच्छे दिन? ये है हमारा आज का सवाल। 26 अक्टूबर को नई सरकार का गठन है और इस नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं आम जनता को, तो ऐसे में जनता से जो वायदे किए गए हैं वो वायदे क्या पूरे हो पाएंगे? कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों की इस नई सरकार से? क्या हरियाणा की जनता के भी अच्छे दिन आएंगे? ये है हमारा आज का सवाल। बिल्कुल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। हरियाणा की आवाज वो मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, जिन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। आज का हमारा सवाल यही है कि क्या जिस तरह से बहुमत से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी के साथ साथ आम जनता के भी अच्छे दिन आएंगे? राजकुमार सैनी हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं सर क्या राय है? पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी। हाँ, जैसे मोदी जी चल रहे हैं, अगर उनके नेतृत्व में सभी मंत्री चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी जी। हाँ जी, चलिए शुक्रिया राजकुमार जी इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो अगर वैसा ही होता है जैसा नरेंद्र मोदी चाहते हैं या जो सपना उन्होंने देखा है, अगर उस मुताबिक चलती है बीजेपी तो अच्छे दिन आएंगे, ये कहना हमारे पहले दर्शक का। लेकिन आपकी राय क्या है? उसी राय को टटोलने की इस मंच से हम कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज वो मंच है जो आपसे जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। नई सरकार का गठन 26 अक्टूबर को, तमाम नए सपने नई आकांक्षाओं का बोझ इस सरकार के कंधों पर है, ऐसे में आपको कितनी उम्मीदें हैं? ये सरकार उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी और क्या हरियाणा की जनता के अच्छे दिन आएंगे? यही हमारा आज का सवाल है। फोन उठाएं, हमें बताएं, नंबर हम आपके लिए लगातार फ्लैश कर रहे हैं। बिल्कुल, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए उन वायदों और दावों को पूरा करना जो आम जनता से किए गए हैं। दरअसल बीजेपी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम दावे, तमाम वायदे जनता से किए, तमाम घोषणाएं की। आखिर किस तरह से उन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा, किस तरह से उन्हें अमलीजामा पहनाया जाएगा और क्या है जनता की आकांक्षाएं, किस तरह से उन पर खरा उतरेगी ये बीजेपी सरकार और क्या अच्छे दिन अब जनता के भी आएंगे जिसकी आस लगाए जनता बैठी हुई है। राहुल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। राहुल जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है राहुल से। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे कि सवाल आज का हमारा यही है कि क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी के अच्छे दिन आने के साथ साथ क्या जनता के भी अच्छे दिन आएंगे? क्या है आपकी राय? आप हमें टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, उन नंबरों पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं। जी हाँ, तो हरियाणा की आवाज वो मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, जिन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। क्या अब आम जनता के भी अच्छे दिन आएंगे? यही आज का हमारा सवाल है। हरियाणा में बीजेपी ने जीत का इतिहास रचा है। सिरसा से सबके बीच हमारे अगले दर्शक जुड़ रही हैं। नीतू हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीतू जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है नीतू जी से। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे कि हम सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जब भी वो हमें कॉल करते हैं तो कृपया अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि बेहतर संवाद आपके साथ हो पाए। आज का हमारा सवाल यही है कि बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं, बीजेपी की सरकार बन गई है और रविवार वो दिन होगा जब शपथ भी ले ली जाएगी, मुख्यमंत्री पद की भी शपथ होगी, साथ ही साथ तमाम मंत्रियों की भी शपथ होगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्या अब अच्छे दिन आम जनता के भी आएंगे? देश में भी आस लगाए बैठी है जनता और साथ ही साथ अब प्रदेश में भी यही हाल है कि आस लगाए जनता बैठी हुई है, लेकिन क्या अच्छे दिन अब आम जनता के भी आएंगे? इस सवाल पर अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जी, हरियाणा में बीजेपी ने जीत का इतिहास रचा, अब उम्मीदों और आकांक्षाओं का दौर शुरू हो रहा है। 26 अक्टूबर से नए मंत्रिमंडल का जो सपना है वो सपना बीजेपी का साकार होने जा रहा है और अब उम्मीदें जुड़ गई हैं इस सरकार से। आपको कितनी उम्मीदें हैं क्योंकि आपने पूरी उम्मीदों के साथ इस सरकार को सत्ता में लाया है? पानीपत से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आज?
हेलो जी, बताइए क्या कुछ राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर? मैम जो बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार जब भी आई है हमारे हरियाणा में इसका सुधार हुआ है जी। चलिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गौरव जी है। गौरव जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, अपनी राय दीजिए। हाँ जी मैडम जी, राय बताइए अपनी। हाँ जी मैडम, ये हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है जी। तो उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पे चलते बहुत अच्छा काम करेंगे जी। चलिए बहुत शुक्रिया गौरव हमसे अपनी राय साझा करने के लिए। तो केंद्र में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं अब प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन गई है और शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या अब जनता की भी अच्छे दिन आ गए हैं, ये उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि तमाम जो दावे और वायदे किए गए, ये तमाम रैलियों में जनता को संबोधित करते हुए कई वायदे किए गए आम जनता से, बात चाहे SYL मुद्दे की हो या फिर बात हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बनाने की हो, तमाम दावे तमाम किए गए, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की गई, विकास का स्तर उठाने की बात की गई, और यह भी कहा गया कि जो तमाम चीजें हैं उनको सुधारी जाएगी, जो भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन क्या ये वायदे अब सही होंगे साबित? क्या इन वायदों पर, इन दावों पर खरी उतरेगी बीजेपी सरकार? यही आज का हमारा सवाल। बीजेपी सरकार से हरियाणा की जनता को कितनी उम्मीदें हैं और आपको लगता है कि उन उम्मीदों पर यह सरकार खरा उतर पाएगी? क्योंकि घोषणा पत्र में बहुत सारे वायदे किए गए, बहुत सारे दावे किए गए हैं और अब उन्हीं दावों को अमली जामा पहनाने की बारी आई है। फतेहाबाद से हमारे दर्शक हरपाल जुड़ रहे हैं। हरपाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आज? मैडम मैं क्या जी बताइए। बराबरियों के सभी बराबरियों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कांग्रेस सरकार में तो दलितों में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस सरकार में किसी के साथ कोई अत्याचार ना हो। चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ अब दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आप इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं, आप इस फेरिस्त में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया है, विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई सारे वायदे किए, SYL की बात हो, हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बेंच की बात हो, या फिर भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में भी सबसे अहम मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे जो है बीजेपी ने वो दिखाए, लोगों को उनके सामने रखा और अब बारी उनको अमली जामा पहनाने की। तो ऐसे में कितनी उम्मीद है आपसे? इस बीच एक और कॉलर हमारे सिरसा से जुड़ गए। चलिए बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, बताइए क्या कुछ राय है आपकी? जी मैं आपको बताना था, ये सरकार जनता के लिए जी, किसानों के लिए सरकार सर रूप से नहीं चला सकती मैम जी। विजय जी, आपको लगता है कि ये जो सरकार है उम्मीदों पर खरा उतरेगी जनता के? चलिए लगता है आपका एक अनुरोध करना चाहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विजय हमसे जुड़ने के लिए। तो एक अपील भी करना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों से जो कि टेलीविजन स्क्रीन की आवाज सुनकर हमें रिस्पांस कर रहे हैं, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम सुनकर हमें रिस्पांस ना करें, क्योंकि इससे सीधी बातचीत में बहुत सारी दिक्कतें पेश आएंगी, आपका फोन कट सकता है, संपर्क आपसे टूट सकता है। इसलिए सीधी बातचीत करते वक्त जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कृपया कम रखें। सवाल एक बार फिर से उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी भी ट्यून ऑन किया है, क्या हरियाणा की सरकार आवाम के उन तमाम उम्मीदों पर खरा उतरेगी? क्या जनता के भी अच्छे दिन आएंगे? बीजेपी की सरकार आ चुकी है सत्ता में हरियाणा में, ऐसे में जो उसने उम्मीदें एक दिखाई आम जनता को, जिसके आधार पर उसने एक मैंडेट लिया, अब उसको अमली जामा पहनाने की बारी है। तो क्या ये सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? हमारा सवाल आज का ये, बीजेपी सरकार से हरियाणा की जनता को कितनी उम्मीदें और क्या यहाँ की जनता के अच्छे दिन आएंगे? नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, सारे फोन लाइन खुली हुई है, आपकी राय को टटोलने की, आपकी आवाज को समझने के इस मंच के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया और अब बारी उसी इतिहास को एक अच्छे और सुखद भविष्य में तब्दील करने की है। तो ऐसे में कितनी उम्मीदें हैं आपकी बीजेपी सरकार से और क्या वाकई हरियाणा में भी लोगों के अच्छे दिन आएंगे? हमारा आज का सवाल यही। जी हाँ, तो विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की हो, लेकिन क्या अब इस जीत को मनाने का वक्त अब आम जनता के लिए भी आ गया है? यही आज का हमारा सवाल है। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। विजय जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। विजय जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी बहुत स्वागत है सर, बताएं सर क्या राय है आज? बीजेपी सरकार अच्छे कार्य
करेगी अपने हरियाणा में, और हमें उम्मीद है अपने सीएम जो नए बनेंगे एक अच्छा प्रोग्रेस देंगे अपने प्रदेश को। चलिए शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो अब दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है और ये फेरिस्त भी लंबी होती जा रही है, और आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं, आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं, अपनी आवाज को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए। नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, इस सरकार से आपको कितनी उम्मीद है। बिल्कुल, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र जी। महेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, अपनी राय दीजिए। महेंद्र जी क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी बताइए क्या कुछ राय है। ये जो हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी है ये किसानों के लिए इसमें क्या काम करेगी? जी चलिए शुक्रिया। तो तमाम सवाल भी लोगों के जहन में है। शिवशंकर हमारे साथ, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवशंकर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या राय है? ये है कि बहादुरगढ़ में मतलब ये विकास होगा और पूरे हरियाणा में होगा, क्योंकि मोदी जो है जब अहमदाबाद में और गुजरात में विकास कर सकते हैं तो वही विचारधारा वो हरियाणा के लिए भी कारगर सिद्ध होगी। चलिए बहुत शुक्रिया इस राय कम से साझा करने के लिए। तो दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की अब शुरुआत हो चुकी है, फेरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है और आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं, आप भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। सवाल ये, क्या हरियाणा में लोगों के अच्छे दिन आएंगे? क्या बीजेपी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? हमारा आज का सवाल यही, क्योंकि यहाँ पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने जो इतिहास रचा, जो सपने उन्होंने आम जनता को दिखाए हैं, उसकी वानगी, उसको अमली जामा पहनाने का जो एक दिन है वो 26 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन इस सरकार का आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल यही कि कितना खरा उतर पाएगी सरकार, कितनी उम्मीदें हैं आम जनता को? तो रेनू अभी जो कॉलें आई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर ये कहा जा सकता है, जो उम्मीदें हैं जनता की वो बहुत ज्यादा है, आशाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या उन आशाओं पर खरी उतरेगी ये बीजेपी सरकार, ये आज का हमारा सवाल है। लेकिन उम्मीदें जनता लगाए बैठी है, क्योंकि सरकार जब एक नई सरकार के तौर पर जो आम जनता है वो कई उम्मीदें लगा के बैठती है, बात चाहे बुनियादी सुविधाओं की करें या फिर और विकास करने की बात, हमेशा आम जनता को उम्मीदें लगी रहती है कि नई सरकार का गठन होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा। और शायद यही सोचकर आम जनता ने परिवर्तन किया है, बदलाव किया है, सत्ता परिवर्तन किया है, लिहाजा अब कांग्रेस की जगह बीजेपी को मौका दिया है, फुल मैंडेट दिया है, पूरे बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज करवाया है। ऐसे में क्या वो फुल बहुमत जो दिया है, पूर्ण बहुमत जो बीजेपी को दिया है, क्या बीजेपी आम जनता की उम्मीदों पर ऐसे में खरा उतरेगी? क्या बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल पाएगी? क्या पानी, SYL, भ्रष्टाचार, विकास जैसे तमाम जो मुद्दे हैं प्रदेश में उनको जड़ से दूर किया जाएगा? क्या जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं लोगों की उम्मीदें भरी जाएगी? तो तमाम सवाल ऐसे हैं। बिल्कुल, प्रमोद हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैं देखिए मैम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोग हमेशा उम्मीद तो हर गवर्नमेंट से लगाई है और बीजेपी से हम लोगों ने बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि ये जो हमने उम्मीदें की हैं उनको पूरा कर पाएगी। मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत अच्छे काम किए हरियाणा में, और हरियाणा का पूर्ण रूप से विकास तभी संभव होगा तब ये जो जींद का और रोहतक का और ये बहादुरगढ़ जो बीच का एरिया है इसकी डेवलपमेंट ज्यादा हो, क्योंकि ये हरियाणा के बीच में है। अकेले आप गुड़गांव या जीटी बेल्ट की डेवलपमेंट करके पूरे हरियाणा का विकास नहीं कर पाएंगे। अभी जो पहले था वो हमेशा ये रहा कि एक क्षेत्र विशेष का उनपे आरोप लगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, और जो सही भी थे कुछ हद तक। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार बनी है बीजेपी की वो पूरे हरियाणा का पूर्ण रूप से विकास कर पाएगी। और कृष्ण कटारिया सबके बीच हमारे अगले दर्शक। कृष्ण जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, एक तो जो एक पिछली हुड्डा सरकार थी हमारी, इसने अपने क्षेत्रवाद की राजनीति की थी जी, इसने क्षेत्रवाद की राजनीति में सिर्फ अपने रोहतक का विकास किया, केवल रोहतक का विकास। हाँ। हमें इस भाजपा से ये उम्मीद है के रोहतक को ना छोड़ के ये पूरे हरियाणा का विकास करेगी जी, इसलिए हमें इससे भाजपा से। चलिए बहुत उम्मीदें आप लगा के बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर जो बीजेपी है वो खरी उतरेगी, बीजेपी की सरकार खरी उतरेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमसे अपनी राय साझा करने के लिए। तो जो दर्शक है लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, और हरियाणा की आवाज वो मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फोन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। जुर्म की काली दुनिया में खून के निशान की वारदात की गवाही देते हैं। कत्ल की खोजी हुई दास्ता हमें साजिश के तह तक पहुंचने में घोड़े अटकाती। बड़े से बड़ा मुजरिम हमारी आंखों से बच नहीं सकता। हर जुर्म से रखते हैं हम आपको खबरदार। क्राइम की दुनिया में हमने छेड़ी है ये नई जान। जानिए जुर्म की हर दास्ता क्राइम रिपोर्ट। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें, देखना ना भूले चक्रव्यूह मेरे साथ। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, एडवांस्ड कोर्सेज, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। वो मंच जो लगातार आपसे जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। आज का हमारा सवाल हरियाणा की आवाज में, नई सरकार से आप लोगों को कितनी उम्मीदें और क्या उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी नव निर्वाचित सरकार जो कि 26 अक्टूबर को शपथ लेने जा रही है। क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे वायदे किए, SYL की बात कर ले, हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बेंच की बात कर ले, भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा अहम रहा है। क्या हरियाणा की जनता को सभी समस्याओं से निजात मिल पाएगी? बीजेपी सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं और क्या आप इस तमाम जो सवाल है उन पर आप खरे उतर पाएंगे? क्या आपको लगता है बीजेपी उस पर खरी उतर पाएगी? क्योंकि पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई है। शमशेर हमारे साथ अगले दर्शक रोहतक से जुड़ रहे हैं। शमशेर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी जी नमस्कार सर, बताएं।
अजी विकास ही अगर चुनाव का इलेक्शन में पैमाना होता तो रोहतक से रोहतक से बीबी पुत्रा नहीं हारते, लेकिन नई सरकार को कानून व्यवस्था को सख्ती से पेश आना पड़ेगा। जो तो पुराना ड्रा है उसको बदलना पड़ेगा। जो अफसरशाही है वो बेलगाम हो रही है। जो अफसरशाही एक रद्दी पर बच्चा होता स्कूल में, ऐसे ही हमारी अफसरशाही है। उस अफसरशाही को लाइन पर जाना पड़ेगा तो तभी इसको भाजपा को कामयाबी मिलेगी। जब तक हर एक आदमी के पे चले। शमशेर जी बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें सुधारनी होगी। कानून व्यवस्था सुधारनी है, बेरोजगारी को कम करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, विकास करना है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आम जनता बेहद आशान्वित है और यही सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी सरकार के लिए। और सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ कि क्या बीजेपी इन सब चुनौतियों से पार पाकर हरियाणा की आवाम के लिए अच्छे दिन ला पाएगी। बिल्कुल। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतिया से अजीत जी है। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए क्या कुछ राय है आपकी। मैडम जी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि उड्डा की तरह, उड्डा ने भी कोई माड़ा काम तो नहीं किया जी, बहुत बढ़िया राजनीति की है जी उसने जी। जी चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बीजेपी सरकार का जो गठन हो रहा है उससे लोगों को कितनी उम्मीद है। हम इस बारे में बात करेंगे। कामिनी हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। कामिनी बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रख रहे हैं आज आपके सवाल पर। नमस्कार रेणु जी, हैप्पी दिवाली आपको भी। कामिनी बताएं, कह रहे थे कि उम्मीद है कि ये आने वाली सरकार जो पिछली सरकार ने गलतियां की है उसको सुधारेगी। जिस तरह से अभी तक वो काम कर रही है उस तरह से उम्मीद तो यही है कि ये सरकार कुछ काम करेगी हमारे लिए। चले बहुत शुक्रिया कामिनी और सब बातचीत के लिए। तो कामिनी हमारे साथ हमारी दर्शक फरीदाबाद से जुड़ी हुई थी और साफ तौर पर कह रही पिछली सरकार ने जो गलतियां की है उम्मीद करते हैं कमोबेश उन गलतियों को बीजेपी सरकार सुधारेगी और उस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी जिसको लेकर मैंडेट मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है बीजेपी सरकार को। तो हरियाणा की आवाज वो मंच जो लगातार आपसे जुड़े मुद्दे उठाता रहा है, इस मंच के जरिए आप अपनी आवाज हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच विक्रम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं नारनौल से। विक्रम जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, अपनी राय दीजिए। विक्रम जी क्या कुछ राय रखते हैं बताइए। विक्रम एक अपील कर रहे हैं, आप अपने टीवी का वॉल्यूम सुनकर कृपया रिस्पांस ना करें, आप हमें सुन पा रहे हैं। बीजेपी के कई दिनों से हमें भी सलाह वो थी कि अच्छा काम करेगी और अब अच्छा काम करके दिखाई है, दिखाएगी भी और अच्छा, हमें बहुत ही उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा काम करेगी देश के लिए जी। मैं तो यही चाहता हूँ और पूरा देश यही चाहती, इसीलिए सबका आई है पूरे हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी है, लेकिन वो भी सही है, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ क्या कहा जाए, जिस तरह से आज तमाम लोगों की राय मिली क्या निष्कर्ष निकाला जाए, जो आकांक्षाएं हैं उनका जो स्कोप है बहुत ज्यादा हाई है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जो आकांक्षाएं हैं वो बड़ी हुई है लोगों की, क्योंकि बहुत वायदे किए गए, बहुत दावे किए गए और अब जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि उन दावों और वायदों का पूरा करने का वक्त आ गया है। लिहाजा लोगों ने मैंडेट भी दिया, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई। एक इतिहास में अगर हम झांके तो एक इतिहास फिलहाल बीजेपी ने फिलहाल इस चुनावों में रच दिया है। 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई है। लिहाजा अब वक्त आ गया है जनता के लिए काम करने का और जनता उम्मीद लगाए बैठी कि बेहतर बीजेपी काम भी करेगी और इसके बाद की 26 अक्टूबर से देखने को मिलेगी। फिलहाल हरियाणा की आवाज में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा।